ऑलराइट जी, वेलकम बैक। चलिए जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी क्यूरी है या क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? क्लियर है सब कुछ? चैट पे बता दो, वॉइस बता दो। जो थप्पड़ मार रही थी वो मैं थी। किसी को थप्पड़ पड़ रहा था भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो क्या है, द लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट्स 0, 1, 2। ठीक है, अब ऐसी लैंग्वेज आपने आपको मिली है जिसकी स्पेसिफिकेशन ये है, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं पहले। मैंने नेक्स्ट टाइम इसको हाइड कर दूंगा ताकि स्ट्रिंग्स आप लोगों से जनरेट करवाऊँ। ऐसे तो स्ट्रिंग्स मैं ही जनरेट करता रहूंगा, आप लोग तो खाली बैठ के खामोश तमाशा ही हो जाएंगे। अच्छा जी, खैर, तो ऐसी लैंग्वेज बेसिकली हमें दी हुई है जिसके जो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, सिग्मा अगेन लिख लेते हैं, वो है 0, 1, 2। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये दी हुई है या कंडीशन या कॉन्स्टेंट ये दिया हुआ है कि इसके स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स बनेंगे या स्ट्रिंग्स बनेंगी इस लैंग्वेज की वो इवन लेंथ के अंदर होंगी। ठीक है, तो इवन लेंथेड या लेंथेंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसकी पॉसिबल लैंग्वेज क्या बनेगी? थोड़े से स्ट्रिंग आप लोग चैट पे शेयर कर दें, थोड़े से मैं भी बना लेता हूँ। जैसे 0, 1 है, 0, 2 है, 0, 3 है, 0, 4, 0, 4 सॉरी नहीं हो सकता, 0, 0 हो सकता है, 1, 1 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, इस तरीके से पॉसिबल और भी बन सकते हैं। इवन लेंथ चाहिए बस, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इन शॉर्ट जो भी आपको कंडीशन दी दी हो उस कंडीशन के लिहाज से आपने उस लैंग्वेज को जनरेट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन मैं पढ़ता हूँ उसके बाद। वो तीन इवन नहीं है ना, हाँ तीन इवन नहीं है, अगर तीन होंगे तो इवन नहीं होगा ना, फिर वो गलत हो जाएगा। इवन लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ टू। जी सर, इसमें 3 तो है नहीं, तो आपने 3 कैसे बना दिया सेट में? तो 0, 1, 2 है, तो आपने नीचे कैसे बना दिया 0, 3? एक मिनट, आपकी देखने आवाज दीजिए एक तो सर, बहुत स्लो आ रही है। कौन सी इसकी बात? मैं कह रही हूँ, जो ऊपर आपने गिवन थे एलिमेंट्स वो था 0, 1, 2। ठीक है, तो आपने जी नीचे बनाई है उसमें 0, 1, 0, 2 और 0, 3 आपने लिख दिया है, तो 0, 3 क्यों आ रहा है ऊपर सेट में? तो 1 है सॉरी और सॉरी सॉरी, 0। 0, 3 मेरी मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया समझ गया। 0, 3 हाँ मैंने यही कैसे सर, लिख दिया, टाइपो 1 सेकेंड। टाइपो, सॉरी, ये वाले को मिटा देता हूँ। ठीक वन जीरो है, सही ठीक है। नहीं, सलमान, 3 ऑड की बात नहीं हो रही, बात यह है कि इवन लेंथ की बात हो रही है। तो इवन लेंथ को यूज करते हुए हमें बेसिकली बनाना था। जो लैंग्वेज वहां पे दी हुई थी, जो स्पेसिफिकेशन आपको जो शेयर्ड लेक्चर है उसमें वो उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखता हूँ, उसकी स्ट्रिंग्स आप लोग बनाएंगे। वो ये है कि उसके अल्फाबेट 0, 1, 2 है, और उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है या कंडीशन जो है वो मैं ये दे रहा हूँ कि लेंथ ऑफ टू, यानी जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं होगी। तो उसके अल्फाबेट्स क्या होंगे अभी आप लोग बना लें। यानी ऐसी लैंग्वेज जिसके अल्फाबेट्स 0, 1, 2 हैं और जो इससे स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो 2 लेंथ की होंगी, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं होंगी। ठीक है,
जैसे मास ने बनाई 0001 02, इस तरीके से और भी पॉसिबल बन सकती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बनेगी 00 01 02 11 12 10 तरीके से, सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज मैं स्पेसिफिकेशन लिख देता हूँ जिसके अल्फाबेट्स आपके 0 और 1 है, 0.1 है। हाँ, उसकी कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग should not end on zero, यानी इसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो ऐसी बननी चाहिए जिनका एंड जीरो के ऊपर ना हो। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे 1 01 0001 बन सकती है, 0 01 0101 एंड सो ऑन, जितनी भी कॉम्बिनेशंस आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं इसके। ठीक है, अब इसी को लेते हुए मैं थोड़ी सी ट्विस्ट करता हूँ लैंग्वेज और उसके आप स्ट्रिंग बना दे। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कोर्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉर्ट ऑफ है, तो इसमें प्रैक्टिस टाइप की चीज ही करेंगे तो ही मजा आएगा, वरना आप भी सो रहे होंगे मैं भी सो रहा हूँ, क्योंकि सोती हुई क्लास को कोई भी नहीं पढ़ा सकता। स्ट्रिंग नॉट एंड ऑन 0। ठीक है, मैंने आपको एक नई लैंग्वेज दे दी है, अब इसके लिहाज से आप करेक्टर बना दें, इसे क्या अल्फाबेट्स होंगे पॉसिबल, 1 0 पे एंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 हो सकता है सिंपल, 1 हो सकता है सिंपल, ठीक है 1 0 1 भी हो सकता है, 1 1 0 0 भी हो सकता है क्योंकि एंड ये 0 0 पे हो रहा है। ठीक है, एंड जीरो पे होगा, अगर आखिरी दो करेक्टर्स देखें तो वो 0 0 है, तो वैलिड स्ट्रिंग है ये भी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस आप जनरेट करना चाहें आप जनरेट कर सकते हैं। तो और भी कुछ लैंग्वेजेस की गए, द लैंग्वेज ऑफ इक्वल्स। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ इक्वल्स का मतलब क्या है, मैं व्हाइट बोर्ड पे आके कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर दूं, अगर इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ देखना है तो ले लें, फिर मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग में वैसे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन अलग से मैं इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं बना रहा। अगर आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लें अपने मोबाइल या वट एवर द डिवाइस यू आर यूजिंग। भैया क्विज में भी नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ पहले से, ये ऐसी बेसिक बेसिक चीजें, इनको क्विज में क्या मैं पूछूं, अभी शुरू है, आगे कोर्स बढ़ेगा फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आने दें, फिर कुछ कुछ वगैरह वाली चीज होगी। खैर ठीक है, ये रेस कर दूं उसको मैं, अच्छा जी, अब मैं एक वो दे देता हूँ आपको अल्फाबेट्स, और स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ, और स्ट्रिंग्स क्या होंगी इसकी आप बता दें। इसकी वैलिड क्या होगी, स्ट्रिंग्स कौन कौन सी इसमें वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी। और माज इसके अलावा बाकी भी शेयर करें, अच्छा जी, यहाँ पे ज्यादातर जितनी भी वो शेयर किए ना आप लोगों ने स्ट्रिंग्स,
मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, अब मैं बात करता हूँ क्यों है। पहली तो इसमें नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, ये तो चले किसी को नहीं, किसी ने नहीं डाली, इसका कोई मसला नहीं है फिलहाल, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। दूसरी चीज वो क्या है, कंडीशन क्या है, इक्वल लेंथ स्ट्रिंग, यानी इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जितने ए हो उतने ही बी होने चाहिए, तो ए बी इज वैलिड, ए ए बी बी इज वैलिड, ए ए ए बी 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 इज वैलिड एंड सो ऑन। तो जितने ए होने होंगे उतने ही बी होने चाहिए, ये जितने बी हो उतने ही ए होने चाहिए, तो उसको इक्वल लेंथ स्ट्रिंग कहेंगे। आप लोग स्पेसिफिकेशन, सर एक सवाल, हाँ पूछो पूछो शायान पूछो। सर ये जो ए और ये हम लोग जो काउंट लगा रहे हैं, जैसे एक हमने काउंट 3 टाइम लगा दिया, पहले लगाया था 1 बार, फिर सेकंड 2 बार, फिर थर्ड में 3, सर ये कोई लिमिट दी जाएगी या चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, इसलिए तो डॉटेड नोटेशन है कि ये इनफाइनाइट जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती है वो बन सकती है, सब सो ऑन है, सो ऑन है, बिल्कुल। ए बी भी ठीक है, सही है। मोहम्मद साकिब ने एक जैसे वो स्ट्रिंग शेयर की है, वो ए बी वो भी वैलिड है, ए बी क्योंकि इसमें इक्वल लेंथ होगा, ये भी कर सकते हैं, बी ए बी कर सकते हैं, बी बी ए बी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, ये भी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं सारी, बस लेंथ इक्वल होनी चाहिए, यानी जितने ए यूज कर रहे हैं उतने बी यूज होने चाहिए। तो बात आपकी सही है, जिस तरीके से ए डबल बी ए, ये भी ठीक है, ठीक है जी। वासिफ कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। अच्छा माइक म्यूट कर लो फिर, आपकी जो बैकग्राउंड जिसमें भी हो ना, फिर उसकी आवाज आएगी, इंटरप्शन होगी, ठीक है, माइक म्यूट कर दो, थैंक यू। अच्छा जी एक और लैंग्वेज देता हूँ, ठीक है। वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, सिग्मा सेम ही है, ठीक है, कंडीशन क्या है, इवन इवन लैंग्वेज को कह सकते हैं आप, ठीक है, इवन इवन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इक्वल सॉरी इक्वल लेंथ स्ट्रिंग होंगी, लेकिन इक्वल लेंथ के साथ साथ इवन भी होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह से शाज़िम ने शेयर किया, ठीक है, ये इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, शाज़िम ने शेयर किया। अच्छा कोशिश करा करो कि प्राइवेट शेयर किया करो मैसेज में, इससे फायदा ये होगा कि सब कंट्रीब्यूट करेंगे, वरना एक स्टूडेंट करता है तो सारे फिर उसी में वो कहने ना एक के पीछे चल देते हैं सारे। बिल्कुल बी ए बी ठीक है, सही है, बिल्कुल वैलिड स्ट्रिंग है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स बी भी ठीक है, इस तरीके से ये जनरेट होती रहेगी, ठीक है, तो इवन इवन इसको कह सकते हैं आप, ए ए बी बी ये भी ठीक है, ए बी ये भी ठीक है, बी बी ए ए ये भी ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके जितने भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें आप बना सकते हैं, सारे आपके वैलिड कॉम्बिनेशन हैं, बस लेंथ इवन होनी चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए, यानी जितने ए हैं उतने बी होने चाहिए और वो इवन होने चाहिए, तो इसको इवन इवन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और इक्वल लेंथ, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट इस यहाँ पे दो चीजें क्लियर होती हैं कि हो सकता है जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज आपको दी जा रही हो उसमें मल्टीपल कंडीशंस भी मैप हो रही हो, ठीक है, या मल्टीपल कंडीशंस भी दी जा सकती हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपको एक ही कंडीशन के साथ काम करना पड़े, हो सकता है आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ भी समटाइम्स काम करना पड़े, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन को समझना असल काम है इसके अंदर, स्टार्टिंग लेक्चर्स में तो खास तौर पे, बाकी इन फ्यूचर भी जब आप अगर डिस्क्रिप्शन को सही समझ लेंगे तो आप उससे स्ट्रिंग्स जो जनरेट करेंगे वो भी सही जनरेट होंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंटीजर्स, अगर लैंग्वेज ऑफ इंटीजर्स मुझे बनानी हो तो उसका सिग्मा क्या होगा, मुझे मतलब उसका जो अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा क्या होगा, ये मुझे पता है, आप लोग चैट पे अगेन प्राइवेटली सिग्मा क्या होगा इंटीजर्स की, अगर मैं लैंग्वेज जनरेट करने जा रहा हूँ उसके लिए,
और भी कुछ एडिशन होगा इसमें, माज वाले, माज ने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो तो सही है, लेकिन उसमें और भी एडिशन होगा। सर पॉजिटिव इंटीजर है सर, नेगेटिव इंटीजर है, ये सारे टोटल है? सोचो ना, मैंने तो इंटीजर का लफ्ज लिया है, ये तो तुमने सोचना है। अगर स्पेसिफाई किया है तो स्पेसिफाई करना होगा, स्पेसिफाई नहीं किया तो नहीं करनी। ठीक है सर, बताओ कौन से अल्फाबेट्स होंगे। शोएब गलत है। करना ये है, जिस तरीके से मैं अभी तक जितनी दफा आप लोगों से पूछा, मैंने लैंग्वेज का पूछ रहा था कि लैंग्वेज के अल्फाबेट्स या लैंग्वेज क्या जनरेट करेगी, कौन से स्ट्रिंग्स जनरेट करेगी। अब मैंने लैंग्वेज के अल्फाबेट्स पूछे हैं आपसे कि लैंग्वेज के अल्फाबेट्स क्या होंगे जिनसे मिलकर स्ट्रिंग्स बनेगी। ठीक है, स्ट्रिंग में मिसाल के तौर पर जो इंटीजर बनाई गई स्ट्रिंग, ठीक है, वो 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, स्ट्रिंग पॉसिबल इज यू कैन हैव, तो उसका सिग्मा क्या होगा, इसके अल्फाबेट्स क्या होंगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। चलो आसान कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं या इंटीजर्स होते हैं वो सब आ गए। ठीक है, और क्या होगा इसमें, और क्या साथ होगा इसमें अल्फाबेट्स के अंदर। C, minus C, minus A, ये क्यों है? हाँ, माइनस साइन होगा, ये बात, ये जवाब दुरुस्त है, माइनस साइन होगा जी, क्योंकि जो भी आपका सिग्मा है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें नेगेटिव साइन, पॉजिटिव भी इंटीजर होता है, नेगेटिव भी होता है, और पॉजिटिव क्यों ही आएगा यहाँ पे, प्लस साइन क्यों ही आया इस लैंग्वेज के अंदर, सिग्मा के अंदर, क्योंकि इसका एक रीजन है। वो क्या रीजन है? दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव खाली लिखने की जरूरत है, पॉजिटिव ऑलरेडी नंबर बाय नेचर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है, तो इसलिए पॉजिटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर माइनस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब हम यही समझते हैं हमेशा कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो इसलिए हमें पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें अब इसी की, इस वाली लैंग्वेज, ये जो इवन, सॉरी ये इंटीजर वाली लैंग्वेज है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि अगर स्क्रीनशॉट वगैरह आप लें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, लेता हूँ, अच्छा मास तुम्हारा आंसर में ऊपर स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, एक मिनट, तुम्हारा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आंसर सही है। अच्छा जी, अब ये इंटीजर वाली लैंग्वेज को यूज करते हुए, इसी के सिग्मा को यूज करते हुए, माइनस कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड सो ऑन, अब स्पेसिफिकेशन चेंज करता हूँ, उससे क्या जेनरेट होगा अभी बताएं। ऐसे इंटीजर्स जो इवन हो, उसमें कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? ठीक है, ये तो इंटीजर आ गए, और -11 शेप, -11 कैसे आएगा इवन में? माज माज मेरे पॉइंट पे पहुंच गया जो मैं चाह रहा था, कि नेगेटिव 4 ये भी इवन नंबर है, नेगेटिव 2 ये भी इवन नंबर है, 0 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और इसी तरीके के सबके नेगेटिव भी इवन नंबर्स हैं। तो इसकी अगर जो स्ट्रिंग्स होगी, जो ये वैलिड स्ट्रिंग होगी इस लैंग्वेज की, वो सारी होंगी। ठीक है, हाँ -12 कोई भी फिर माइनस आप ले लें तो वो That would be वो that is possible। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लें, क्लियर कर दूं उसको। यस सर।
अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, उसी स्पेसिफिकेशन जनरलाइज करना शुरू करते हैं। सिग्मा इज ए कॉमा बी, ठीक है, और उसकी जो कंडीशन है या जो स्पेसिफिकेशन है एक्सपोनेंशियल के लिए मैं कैरेट सिंबल यूज कर रहा हूँ, एन कॉमा बी एन, ठीक है, यानी ये एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है ए एन बी एन, मतलब ए पावर एक्सपोनेंशियल एन और बी एक्सपोनेंशियल एन, तो इससे जनरेट होने वाले स्ट्रिंग्स कौन से होंगे? तो ए बी होगा, ठीक है, अगर पावर वन वन कर दें, ठीक है, तो ए बी होगा, पावर को टू कर दें तो ए बी बी हो जाएगा, ठीक है, और अगर थ्री कर दें ए ए ए थ्री बे टू क्यूब सिक्स हो जाएगा ना, इस तरीके से पढ़ता रहेगा एंड सो ऑन। सॉरी सर, एक दफा दोबारा समझा दें। एक लैंग्वेज है जो कि ए बी, जिसके बेसिकली अल्फाबेट्स हैं, और जिसकी स्पेसिफिकेशन ये थी कि ए एक्सपोनेंशियल कोई भी पावर हो, यानी एन, एंड बी एक्सपोनेंशियल एन, यानी ए की भी कोई भी पावर हो सकती है, बी की भी कोई भी पावर हो सकती है, उससे जनरेट होने वाले अल्फाबेट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पावर वन रखता हूँ, ठीक है, तो एक ए एक बी आ जाएगा, इसकी पावर मैं टू रखता हूँ तो दो बी दो ए दो बी आ जाएंगे, अगर मैं पावर थ्री रखता हूँ तो टू का क्यूब एट होता है, यहाँ पे क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ये थोड़ा गलत कर दिया है, टू का क्यूब आएगा, ठीक है, तो टू का क्यूब एट होता है ना, तो एट एज एंड एट बीज हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और बी भी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, उस तरीके से जो भी मैं पावर रखूंगा, पावर बेसिकली उस तरीके से आपके अल्फाबेट्स के लिए जनरेट होते रहेंगे, अल्फाबेट से सॉरी स्ट्रिंग्स, अल्फाबेट तो आपके ए और बी हैं, ठीक है, सही है, समझ आ गया? यस सर। अच्छा जी, अब सिग्मा यही है, कंडीशन चेंज कर रहा हूं, अब उसकी क्या स्ट्रिंग्स बनेगी, ए पावर एन कॉमा बी, सॉरी बी पावर एन कॉमा ए, अगर इससे कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी? इसका मतलब सही है, ये वैलिड है, और स्ट्रिंग्स, इसका मतलब यहाँ पे कि ये है कि जो स्ट्रिंग एंड हो रही होगी वो हमेशा ए पे एंड हो रही होगी, B और A की कोई भी पावर हो सकती है लेकिन एंड हमेशा A पे हो रही होगी, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, और अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है, या मैं इसको भी ये कर दूँ, एक और कंडीशन दे दूँ, A पावर N कॉमा B पावर N, सर ये समझ में नहीं आया बात, क्या समझ में नहीं? सर आपने कहा ना लास्ट में जब A आएगा तो उस पे एंड हो रही होगी वाली, सर इसकी लेंथ आप दिखा दें, लेंथ तो उसकी देखो, जो भी ए की पावर रखोगे बी की पावर रखोगे वो तो ए और बी की पावर होगी, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा ए पे एंड हो रही होगी, यानी इस स्पेसिफिकेशन को देख के आपको ये पता चल रहा है, ठीक है, तो इसकी जो वैलिड स्ट्रिंग होगी, जो इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी ए, वो तो होगी ए बी ए, ठीक है, जैसे, और अगर मैं टू टू पावर कर दूं ए ए बी बी ए, तरीके से थ्री कर दूं ए ए ए ए ए ए, मतलब जितने भी ए आएंगे फिर बी आएंगे एंड ए पे हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि एंड ए पे हो रहा है,
अगर ये भी एन होता ना तो फिर किसी भी कॉम्बिनेशन में हम चल सकते थे, ठीक है? ये डिफरेंस है इस चीज इस डेफिनेशन के लिहाज से। ओके सर, इस तरीके से अगर मैं इसी चीज को अगर मैं पावर एन कर दूं तो फिर आप किसी भी कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं जिसमें ए बी और ए होगा और उसकी कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है? तो वो इवन वन वन से कर लें, टू से कर लें, थ्री से कर लें, एंड सो ऑन, जिससे भी आप कंटिन्यू करना चाहें। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम एक और लैंग्वेज बनाना चाहें, ठीक है, फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल की लैंग्वेज अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसके सिग्मा मैं दे देता हूँ, अल्फाबेट्स आप बताएंगे। सिग्मा इसके वही नेचुरल नंबर है, 0.1, 0.2, 0.3 इंटीजर्स नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स दे रहा हूँ, ठीक है? और फैक्टोरियल की लैंग्वेज बनानी है। फैक्टोरियल का फॉर्मूला याद है ना या भूल गए सारे? अगर याद है तो उससे बना दें, अगर नहीं याद तो मुझे बता दें। फैक्टोरियल जो एन टू एन माइनस वन, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला इसके वैलिड अल्फाबेट्स कौन कौन से होंगे वो कुछ अल्फाबेट्स सॉरी स्ट्रिंग्स क्या होंगी वो बताएं। क्या हो गया? फैक्टोरियल इतना इतना मुश्किल भी चीज नहीं थी। मैंने ठीक है, सही है, शाज़िब ने शेयर कर दी और बाकी भी शेयर करें कि वैलिड स्ट्रिंग्स क्या होंगी। और इसमें ही इसी चीज में मैं एक चेंज कर देता हूँ, सिग्मा चेंज करता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? शोएब इसमें मैंने ये बोला है कि अगर ये मेरे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं मुझे बोला जाए, मुझे स्पेसिफिकेशन ये दी जाए, मुझे कंडीशन ये दी जाए कि इस फैक्टोरियल की लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कर लेते हैं, ठीक है? जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है, ठीक है? वन का फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है। टू का फैक्टोरियल क्या होता है? तो जीरो का फैक्टोरियल तो जीरो ही होगा, जीरो का फैक्टोरियल जीरो होगा और वन का फैक्टोरियल वन होगा, टू का फैक्टोरियल टू होगा, थ्री का फैक्टोरियल टू सी से सिक्स होगा, और इस तरीके से फिर सीरीज जो फैक्टोरियल की चलना शुरू हो जाती है वो सीरीज चलेगा। जितना बड़ा नंबर ले लो उसकी उतना वही नंबर जनरेट होता रहेगा जैसे आप फैक्टोरियल में जनरेट करते हो, ठीक है? अब अगर फैक्टोरियल की ही लैंग्वेज जनरेट करनी है और मेरा अगर अल्फाबेट जो है वो ए हो, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, कौन से लेटर्स जनरेट होंगे, क्या कैसे होगी, उसकी भी स्पेसिफिकेशन एक दफा लिखते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, एक चीज क्लियर नहीं थी जी। सर ये आपने ए की पावर एन, बी की पावर एन और जो इसके बाद ए की पावर दोबारा एन जो किया है सर, इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी सर? लैंग्वेज ये बहुत सिंपल है, ठीक है? अगर मैं इन सब की पावर वन वन रखूं, ठीक है, तो ए बी ए हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं इन सब की पावर टू कर दूं तो ए ए बी बी ए ए हो जाएगी, सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगी। नहीं, इसमें ए ए की पावर भी एन टाइम्स बढ़ रही है ना, बस ए का इजाफा होता रहेगा साथ साथ, बस हाँ ये फर्क आएगा। सही है सर, थैंक यू। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, जैसे ये ए बी बी ए ए ए ए बी हो सकता है ये, ठीक है? इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है? जैसे ये यहाँ ये ए ए बी ई बी बी ए ए है ना, ये बी बी ए ए ए ए बी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन हमारी ये है कि लेंथ बराबर होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सीक्वेंस भी यही हो, ठीक है? ये अगर सीक्वेंस की रिस्ट्रिक्शन दी भी होगी तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं दी भी तो हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि एन का मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज है,
या जो भी एन की आप पावर लिख लो, तो आप पावर रखते हुए आप इसकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, एन वाली चीज को हमने टेस्ट करना है सर। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, एक दो और लैंग्वेजेस हैं वो मैं आप लोगों को देता हूँ, फिर हम लोग ब्रेक भी ले लेंगे इशा की नमाज का, जो वैसे तो ऑफिशियल ब्रेक 10-15 मिनट्स का है, तो हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे फिर नमाज का। तो उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को लैंग्वेजेस दे रहा हूँ, उन लैंग्वेजेस को जनरेट करने की कोशिश करें, स्पेसिफिकेशन मैं दे रहा हूँ, लैंग्वेजेस आप जनरेट करें। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ए कॉमा बी इसकी, इसके क्या करेक्ट अल्फाबेट्स बनेंगे। ठीक है, डबल फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि इसका भी फैक्टोरियल, इसका भी फैक्टोरियल, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस एंड में लूंगा भाई मैं, अब्दुल मोइस तुम्हें कहीं भागना है, क्लास लो पूरी, भागने मैं नहीं दूंगा कहीं पे भी। जिस तरीके से सिग्मा ये है कॉमा बी कॉमा सी और लैंग्वेज स्क्वायर्स का मतलब ये है कि इन सब की पावर स्क्वायर में n टाइम्स बढ़ रही होगी। ठीक है, एंड भी साथ साथ दे रहा हूँ। ठीक है, तो भाई हमें अब सर्दियों में किसकी लाइट जा रही है, सर्दियों में तो किसी की लाइट नहीं जा रही। लास्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज अल्फाबेट्स इसके हैं, अच्छा जा रही है, चलो सही है भाई। अटेंडेंस में चलो तुम्हारी चले चले, ठीक है ठीक है, मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं। तो मैं अटेंडेंस तुम लोग ये मार्क कर दूंगा, लेकिन कोशिश करना डेटा के साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, अभी मैं ब्रेक दूंगा तो 8:20 तक, 8:25 तक कनेक्ट हो जाना वापस, 8 से 9 जाती है ना, तो 8 तक तो हमारी तकरीबन क्लास चलेगी अभी। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट कर लेना मोबाइल और चीज से, एक्टिविटी कोशिश करना कर लो उसमें घर पे ही, तभी तो एक्टिविटी पहले दे रहा हूँ। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ सिग्मा इसका है नेचुरल नंबर्स, एप्लीकेशन है प्राइम नंबर, यानी ऐसी लैंग्वेज जो कि जिसमें प्राइम नंबर आते हैं उसके स्ट्रिंग्स क्या होंगी वो मुझे आप लोग बताएं। तो ये 3 लैंग्वेजेस हैं, इनको करें। ठीक है, फिर हम इसकी ब्रेक के बाद डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने 3 लैंग्वेजेस दी हैं आप लोगों को, आप इन 3 लैंग्वेजेस को स्ट्रिंग्स को सॉल्व करें। मैं कनेक्टेड ही हूँ लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लें, फिर हम लोग ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जिनकी जिनका जेन्युइन रीजन है इलेक्ट्रिसिटी का, या अगर ऑफिस से घर पर ट्रेवल करना है, वैसे तो ये वैलिड यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, चलें थोड़ा सा रख लेते हैं लिहाज, तो वो लोग अटेंडेंस देते हैं चैट पे, या सब मुझे एक दफा चैट पे अटेंडेंस देते हैं, एक सेशन की तो कम से कम हो जाए, फिर नेक्स्ट सेशन की, नेक्स्ट सेशन के सेकेंड हाफ हम लोग ले लेंगे एंड में।
एंड में दोबारा लूंगा अटेंडेंस में, अभी एक दफा ले रहा हूँ, ये फर्स्ट हाफ की है, फिर सेकंड हाफ की मैं ब्रेक के बाद जो एंड हो रहा होगा जो सेशन उस वक्त लूंगा। अच्छा जी, तो आई होप इसकी लैंग्वेज या कुछ अल्फाबेट्स जनरेट करने की कोशिश की होगी, तो वो अब आप शेयर करना शुरू कर दें चैट में प्राइवेटली। तो फिर ठीक है शाहजेब, डबल फैक्टोरियल वाले का भी आंसर दो कोई। अब्दुल मुइज हो गया, हो गया, एक दफा लिख दिया, कितनी दफा लिखोगे? वो समझ नहीं आ रहा, डबल फैक्टोरियल में क्या है? डबल फैक्टोरियल में ए का भी फैक्टोरियल, बी का भी फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल का मतलब ये है। मैं डिस्कस करूंगा ब्रेक के बाद, वो करूंगा, ऐसी बात है उसको तो करूंगा, सबसे नहीं हुआ मुझे पता है। कुछ स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ अभी आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ेंगे, तो मैं करूंगा डिस्कस इसको, परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा जी, तो रिजल्ट्स को हम लोग मेरे हाथ से फिर ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 तक हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टिल देन अगर आप इस चीज को, इसकी और एग्जाम्पल्स को नेट से, इंटरनेट से थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, जब तक टूल वगैरह भी आप देखें, मैं इसको दिखा दूंगा।